Hello kids, welcome back. I'm Vandana and we are learning English reader of class 1 by Brain Root series, and here's a book, Literary Journeys. Today we are going to start with chapter number 40 and the name is The Clever Frog. So let's start the chapter. Let's start with the warming up. So how do we escape from dangerous situations? कैसे हम किसी भी dangerous situation से बच पाते हैं? Escape मतलब बच पाना. Without hurting or getting hurt, किसी को नुकसान पहुँचाए या खुद को नुकसान पहुँचाए, by others around us, उन लोगों से जो हमारे आस पास हैं. Who are against our decisions, ऐसे लोग जो हमारे decision के खिलाफ हैं. और actions in life, तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, उनसे बिना हार्म हुए कैसे उस सिचुएशन से बाहर आया जाए. वी रन वेरी फास्ट टू फाइट द एनिमी. हम क्या करते हैं, बहुत तेज़ दौड़ते हैं या एनिमी से फाइट करते हैं. वॉट हैपन्स इफ वी नीदर रन फास्ट नॉर वी आर स्ट्रांग. ना तो हम तेज़ दौड़ें और ना ही हम स्ट्रांग हों. Our cleverness can help in such situation. और हमारी जो चलाकी है वो क्या करती है, ऐसी situations में हमारी help करती है इस situation को tackle करने में. So in this lesson, the cleverness of little frog helped to save its life from a big enemy. अब इस situation में क्या होता है, यहाँ पर एक frog की कहानी है जो अपनी life को बचाता है अपनी enemy से, means अपने जो भी उसके दुश्मन थे उनसे वो बचाता है. So let's start the chapter, children. It was a hot day. काफ़ी ज़्यादा गर्म दिन था. The sun was shining brightly in the sky. और सूरज बहुत तेज आसमान में चमक रहा था. A little frog was jumping here and there. और एक छोटा सा जो frog था वो इधर से उधर कूद रहा था. He was feeling very hot and tired. उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस हो रही थी. Suddenly he saw a pond filled with water. अचानक से उसने देखा कि एक पॉन्ड है जिसमें पानी भरा हुआ है. He quickly jumped into it. उसने क्या किया, उस पॉन्ड में छलांग लगा दी. The frog swam in the cold water for a long time. काफ़ी देर तक ठंडे पानी में फ्रॉग जो है स्विम करने लगा. He felt better. अब उसे ठीक लग रहा था. अब उसे गर्मी भी नहीं लग रही थी, थकान भी नहीं लग रही थी, ठीक लग रहा था. He came out of the pond and started looking for a cool place to rest. अब वो पॉन्ड से बाहर आता है और एक ठंडी जगह को ढूंढता है जहाँ पे वो आराम कर सके. He saw a big rock. उसने क्या देखा, एक बड़ा सा पत्थर है, रॉक है. He jumped onto it. वो जंप करके उस पत्थर पे चला गया आराम करने. Then he looked around. अब उसने अपने आस पास सब जगह जो है देखा. He spotted a bush on the top of a hill. तो उसने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर जो है एक झाड़ियों का ग्रुप है. He thought that seems to be a good place to rest. उसे लगा कि वो एक काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे आराम वो आसानी से कर पाएगा. He started hopping towards it. अब वो उस झाड़ियों के पास, उन झाड़ियों के पास जंप करता हुआ जाने लगा. There was a tiger sitting under the tree. और उस पेड़ के नीचे एक टाइगर बैठा हुआ था. He was looking for food. उसे खाना चाहिए था तो वो खाना ढूंढ रहा था. He saw the frog and thought, I am hungry and cannot find any big animal. उसने उस फ्रॉग को देखा कि मुझे तो भूख लगी है, मुझे कोई बड़ा एनिमल तो मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करता हूँ, लेट मी ईट दिस फ्रॉग एट वंस. चलो इस फ्रॉग को खा जाता हूँ. He pounced on the frog and caught him. वो एकदम जंप करके उसने उस फ्रॉग को पकड़ लिया. The frog was very afraid. अब ये देख के वो जो फ्रॉग था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है. But he was clever. लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा चालाक था. He said, Wait, Mr. Tiger, I know you want to eat me. Mr. Tiger, अभी वेट करो, मुझे पता है आप मुझे खाना चाहते हो. But I am so dirty. देखो मैं कितना क्या हूँ, डर्टी हूँ, गंदा हूँ. लेट मी वॉश माई सेल्फ फर्स्ट. तो चलो जल्दी से पहले मुझे अपने आप को क्या कर देने दो, वॉश कर लेने दो, साफ कर लेने दो. देन यू कैन ईट मी, फिर आप मुझे खा लेना. आई विल बी क्लीन एंड टेस्टी टू ईट. मैं साफ भी हो जाऊँगा और टेस्टी भी लगूंगा खाने में.
द टाइगर थॉट फॉर सम टाइम. अब टाइगर थोड़ी देर सोचने लग जाते कि क्या ऐसा सही है या नहीं. देन ही सेड आई थिंक यू आर राइट. उसने कहा हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो. आई शुड नॉट ईट अ डर्टी फ्रॉग. मैं गंदे से डर्टी फ्रॉग को नहीं खाऊंगा. आई कैन बी सिक. हो सकता है मैं तुम जैसे गंदे फ्रॉग को खा के बीमार पड़ जाऊँ. गो एंड वॉश योर सेल्फ क्विकली. जाओ जल्दी से अपने आप को साफ करके आओ. आई एम वेटिंग हियर फॉर यू. मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. बट कम बैक सून सेइंग देयर इज अ टाइगर लेट द फ्रॉग गो. लेकिन जल्दी आना. सो ये कह के टाइगर ने फ्रॉग को जाने दिया. हॉप 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 द फ्रॉग हॉप्ड टू द पॉन्ड एंड जंप्ड इनटू इट. सो अब क्या हुआ, हॉप करते करते जो फ्रॉग था वो पॉन्ड के अंदर कूदता हुआ चला गया. देन ही वेव टू द टाइगर. अब उसने वहां जाके टाइगर को बाय बाय किया. द टाइगर स्माइल्ड एट हिम. टाइगर क्या करने लगा, उसकी तरफ स्माइल करने लगा. द फ्रॉग टर्न अराउंड. फ्रॉग फिर से पीछे घूमा और उसने टाइगर को देखा. ही स्वैम अवे एज फास्ट एज ही कुड. वो इतनी दूर तैरता हुआ चला गया जितनी दूर वो जा सकता था. सून द टाइगर कुड नॉट सी हिम एनी वेयर. और थोड़ी देर में वो टाइगर को वो फ्रॉग दिखना बंद हो गया. द टाइगर वेंट नियर द पॉन्ड. अब टाइगर क्या हुआ, पॉन्ड के पास गया. ही केप्ट वेटिंग फॉर द फ्रॉग टू कम आउट. अब वो फ्रॉग का वहाँ बैठे बैठे इंतजार करने लगा कि जल्दी से वो फ्रॉग बाहर आए. ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी देर तक वेट किया. बट द फ्रॉग डिड नॉट कम आउट ऑफ द पॉन्ड. लेकिन जो फ्रॉग था वो पॉन्ड से बाहर आया ही नहीं. He was tired of waiting for it on the bank of the pond and lay down, due to which he fell asleep. और उस फ्रॉग का इंतजार करते करते जो है जो टाइगर था वहीं पे लेट गया और अचानक से उसकी नींद लग गई. सो दिस वॉज अ चैप्टर कि आज जिसमें आपने पढ़ा कि कितना क्लेवर वो फ्रॉग था. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी चिल्ड्रेन. द फर्स्ट वर्ड ओवर हियर इज spotted. Spotted means saw, देखना. Pounced means jump on something to catch it. किसी चीज के ऊपर कूद के उसे पकड़ लेना. Quickly means at once, एकदम से. Waved means to move hand from side to side. हाथ को side to side हिलाना, bye bye करना. Wash का मतलब होता है clean, साफ करना. Dirty means not clean, जो साफ ना हो. सिक का मतलब होता है इल, मतलब बीमार. वेट का मतलब है टू स्टे फ्रॉम समवन. सो नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. ए पार्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट वन इज द डे वॉज. डे कैसा था, हॉट कोल्ड रेनी और प्लीजेंट. सो चिल्ड्रन द डे वॉज हॉट. सो वी विल टेक हॉट हियर. नेक्स्ट द फ्रॉग सॉ अ डैश. फ्रॉग ने क्या देखा, रिवर पॉन्ड लेक और स्ट्रीम. सो ही सॉ अ पॉन्ड ओवर देयर. नाउ द थर्ड वन इज द मीनिंग ऑफ स्पॉटेड इज सॉ डर्टी कोल्ड और हॉट. सो इट इज सॉ और फाइंड आउट. द फ्रॉग वॉज डैश पैशनेट क्लेवर क्यूरियस काइंड. सो द फ्रॉग वॉज अ क्लेवर frog. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with using the help box. So here the first one is the sun was shining. Sun kaise chamak raha tha. So the sun was shining brightly. So let's write here brightly. Next one, second question. The frog swam in the dash water, in the cool water. He spotted a bush on top of a. उसने क्या देखा, bush on the top of a hill. There was a dash under a tree. So there was a tiger under a tree. The tiger was dash waiting for it. The tiger was tired. So let's write here tired. Now children, let's move on to C part, which is write true or false for the following sentences.
So the first one is the frog was very tired. Yes, true. The tiger swam in the hot water. False. The frog wants to eat tiger. Again, this is false. The frog lay down and was fast asleep. जो frog था वो नीचे बैठ गया और सो गया. So this is false again. Right here, false. So children, these are your exercises. And with this, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.